सन 1994 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है इंसानियत। उस फिल्म में सनी देओल और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ दिखे थे और उसके बाद भी अमिताभ बच्चन और सनी देओल कई सारे फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन इंसानियत फिल्म के दौरान ही अमिताभ बच्चन और सनी देओल के रिश्तों में खटास आ गया था। लेकिन बताया जाता है इनके रिश्तों में जो खटासपन है वो आज भी बरकरार है। लेकिन दोनों 28 साल के बाद एक और फिल्म प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। वो फिल्म बन के तैयार भी हो चुका है और सिनेमाघरों में रिलीज भी हो चुका है और उस फिल्म का नाम है चुप। और इस फिल्म में सनी देओल की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा सराहना किया गया है। और अब बात करते हैं चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट की। इस फिल्म में सनी देओल ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, चारों तरफ इनकी तारीफ हो रही है। फिल्म के कर्ता धरता है आर वाल्की, जिनके रिश्ते अमिताभ बच्चन से बहुत ही अच्छा है। इन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर कई सारे सुपरहिट फिल्में किया है और इस समय सिनेमाघरों में चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट रिलीज हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ सनी देओल की ही तारीफ हो रही है। और बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में छोटा सा कैमियो किया है और उनका जो रोल है बहुत ज्यादा अहम है। और उसके बाद भी अमिताभ बच्चन जी के ज्यादा चर्चे नहीं हो रही है और ना ही अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म का कोई प्रमोशन किया है और सनी देओल बाजी ने इस फिल्म को खुद ही प्रमोशन किया है। ऊपर से आज के जमाने में फिल्मों को बॉयकॉट किया जा रहा है और मजे की बात है कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाले जो ऑडियंस है वो सनी बाजी के बहुत बड़े फैन है और सनी बाजी की फिल्म गदर 2 का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।